आरोग्य जागृति जानते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का काफी हुआ है। ये फैसला सन 1995 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया, उसके खिलाफ हम लोग एक महाराष्ट्र निवेदन समिति बनाई थी और ये प्रतिशत दिया औरंगाबाद नाम बदल के आई, और उसके बाद से उस्मानाबाद अहमदनगर भी हो रहा है, इलाहाबाद का भी नाम बदला है, नाम बदलने की दौड़ लगी। नामांतर समिति किसी भी शासन के किसी के भी नाम बदलने के वजह ये कि नाम बदलना ये विकास का काम नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी विकास का काम करना है, जनता की जिम्मेदारी और जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हर समाज के साथ। लेकिन आज जो ये नामांतर की मुहिम चलाई जा रही है, इसके जरिए पूरे हिंदुस्तान में पूरे महाराष्ट्र में 700 में एक ही समाज को टारगेट किया। और अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज के लिए हिंदुस्तान को मानने वाले हैं, एक जमहूरी मुल्क है, नागरिक है, दस्तूर को मानने वाले हैं और इंसाफ पर हमारा यकीन। इसलिए हम जब हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनती है तब हम अदालतों के सामने जाते हैं। 1995 में ये हुआ, बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि औरंगाबाद हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम शहरों में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को गौर से सुनी, मानी और उसको इस्तीफे जारी, और वो इस्तीफे जारी करने के बाद कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदली। अब वो गवर्नमेंट ने आकर जो नोटिफिकेशन शहरों के नाम बदलने के लिए निकाले गए थे उसको वापस लिया। लेकिन जब हमारी पिटीशन फाइनल हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई तो गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र ने इन्फॉर्म किया कि ये नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी विड्रा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि आपका पर्पज सॉल्व हो गया, इसलिए आपकी पिटीशन सक्सेस होगी, इसलिए हम इसको डिस्पोज। लेकिन आज हकीकत बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर क्लोज हो जाता है वो जस जुडिकेटा के तहत वापस नहीं ला जा सकता, एक्ट है। लेकिन आज की हुकूमतें अदालतों को मानती है या जनता को मानती है और अपने मनमाने फैसले करती है। हालांकि इस बार ये हुआ है कि 10 साल की डिक्टेटरशिप के खिलाफ जनता ने वोटिंग की और 400 के खिलाफ देखने वालों को 200 के अंदर लपेटने का काम किया। इसके बावजूद की नशा नहीं होती। अभी आपने देखा कि ये जो दुर्घटना निकाला गया इसको गवर्नमेंट ने बगैर प्रोसीजर कंप्लीट किए, इस प्रोसीजर इस शहर का नोटिफिकेशन अगर आपको निकालना है उसके लिए 1953 की गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस का पहला हलन यह कि हिस्टोरिकल सीट्स के नाम बदले नहीं जा सकते, उसको इन्होंने टेबल में डाल दिया, उसको फैसले होन दिया। दूसरा मुद्दा उसमें था कि जो अगर इतफाक से के नाम बदलते हैं दूसरा नाम देते हैं वो नाम पूरे स्टेट में कहीं किसी गांव का भी नहीं होना चाहिए, और ये नाम जो यहाँ दिया जा रहा है ये पश्चिम महाराष्ट्र के 3 तालुकों का नाम। हमारा एक्साइजेड नाम का विरोध नहीं है, हमारा इस एक समाज है और समाज को बांटने का, समाज को लड़ाने का, समाज पे फूट डालने का ये जो धंधा है हमारा, इसको विरोध। आरोग्य जागृति।